पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हवाई अड्डा है और यहाँ पर उद्घाटन किया गया है ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या, अयोध्या में इसका आयोजन उद्घाटन किया गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के चरण एक को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल जो है 6500 वर्ग मीटर होगा। यह सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बुक से है। आप सभी को पता है कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम जो भी लेकर के आते हैं बुक से संबंधित लेकर के आते हैं। तो हाल ही में यंगर फॉर लाइफ, फील ग्रेट एंड लुक फॉर योर बेस्ट विथ द न्यू साइंस ऑफ ऑटो जुवेनेशन, ये उपन्यास के लेखक कौन थे या कौन है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी युआन। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ये बुक का नेम है और यहाँ पर इनके यहाँ के लेखक का नाम दिया गया है और यहाँ पर दो बुक दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं, आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका रेबिका मक्की के थ्रू लिखा गया है और लुक आउट ये लिखा गया है क्रिस्टियन बेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित है। नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन विश्वविद्यालय। ये आपका कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। हाल ही में आपका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की क्या की है, घोषणा की है। नवोदित या युवा, ये दोनों हम एक ही होता है, नवोदित और युवा का अर्थ एक ही होता है। प्रतिभा की पहचान एवं पोषण श्रेणी में जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जो हैं ये श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने की थी। और राष्ट्रीय खेल जो ये पुरस्कार है, प्रोत्साहन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो हुआ था 2009 में हुआ था और प्रदान करता है जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, यानी भारत सरकार के थ्रू ये किया जाता है। पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने और खेलों के विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली खेल संगठन सहित कॉरपोरेट संस्थाओं या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, खेल नियंत्रण बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य की लांजिया सर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। अब देखिए यहां पर कुछ जीआई टैग दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ये हम इसका स्क्रीनशॉट आपको कमेंट कम्युनिटी टैब में डाल देंगे या पोस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे उत्पाद है, यहाँ पे श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर राज्य है। देखिए अल्फांसो जो आम है ये कृषि उत्पाद से संबंधित है और ये आपका महाराष्ट्र में है जिसको जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग चाय, आप सभी को पता है कि ये पश्चिम बंगाल में के राज्य में होता है, ये कृषि से उत्पादन से संबंधित है। मालाबार काली मिर्च, ये आपका केरल में, आप सभी को पता है कि दक्षिण वाला जो राज्य है ये मसालों के लिए और केरल तो खास तौर से मसालों के लिए ही जाना जाता है। कश्मीर केसर,
ये आपका कृषि उत्पादन से संबंधित है और जम्मू कश्मीर में यह होता है। और नागपुर के संतरे, ये आपका महाराष्ट्र के में सीताफल, और सीताफल ये आपका मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, जीआई टैग में मिला है। सोनौरा घी को, सोनौर घी को ये आपका राजस्थान में है उत्पादन होता है। नीलगिरी हनी ये तमिलनाडु में होता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका। कुनूर कॉफी ये तमिलनाडु का उत्पादन है जिसको आपका जीआई टैग मिला गया है। धरवाद चिलीज ये आपका कर्नाटक में उत्पाद होता है इसका। कुल्लू वलंस ये हिमाचल प्रदेश में होता है। और आपका अगला है मधुबनी पेंटिंग्स, ये हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट है, ठीक है, ये हाथ से बना एक चित्रकला है जो कि बिहार में पाया जाता है, जिसको आपका जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और जरी वर्क ऑफ सूरत ये हैंडीक्राफ्ट है, ये आपका गुजरात में, इसको गुजरात में होता है। और कुटिच एम्ब्रॉयडरी ये आपका गुजरात में होता है। बिदारी वर्क ये आपका हैंडक्राफ्ट है, ये कर्नाटक में है होता है। और पुलु पुलकारी ये आपका हैंडीक्राफ्ट है, ये भी आपका पंजाब में है। और घनपतिया हैंडलूम ये भी आपका हैंडक्राफ्ट से संबंधित है, जो कि वेस्ट बंगाल में ये होता है। कश्मीर स्वाल्स साल्स ये आपका हैंडीक्राफ्ट है, जम्मू कश्मीर, आपको पता है कश्मीर में संबंधित है तो जम्मू कश्मीर तो रहेगा ही। और पाटन पटूला ये आपका गुजरात से है। सोनेपुर पोटरी ये आपका उड़ीसा से है। चंदेरी साड़ीज ये आपका मध्य प्रदेश से। सलेम सिल्क ये आपका तमिलनाडु से। कांचीपुरम सिल्क साड़ी ये आपका तमिलनाडु से है। इन सभी चीजों को, इन सभी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। कौन सा? झारखंड, सॉरी यहाँ, हाँ झारखंड। अब यहां पर देख सकते हैं कि मिशन महिला सारथी पल उत्तर प्रदेश, सपनों का संजय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश, कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश, उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश, ग्रामीण आवास योजना आपका छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है छठवें नंबर का, ये आपका नया क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं इनका इमेज, ये दुनिया की आपके 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल की है इन्होंने, ये इनका नाम है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। इनकी जो कुल संपत्ति है वो आपका 2023 तक 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वह दुनिया की 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति महिला है। फ्रेंकोइस बेनकार्ट मेयर्स ये आपकी 70 वर्ष की हैं। लॉरियल के बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। लॉरियल के बारे में जान लेते हैं, यह एक फर्म है जिसकी स्थापना 1909 में फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर के दादा यूजिंग स्वीलर ने अपने द्वारा विकसित हेयर डाई का उत्पादन और बिक्री करने के लिए की थी। यह 241 बिलियन पाउंड की कंपनी है जो दुनिया भर में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पर देख सकते हैं उद्घाटन कर रहे हैं 1156 करोड़ बाई किसके? श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी इसका किया। इसकी लागत जो है 1156 करोड़ रुपए है। यह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू चलेगी और सबसे महत्वपूर्ण जो है कोची लक्षद्वीप के बीच
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की परियोजना है जिसमें प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और यह आपका 20 अगस्त 2020 में लाल किले पर मोदी जी ने अपने भाषण में इसको कहा था, जो कि यह आपका 24 में पूरा कर दिया। इससे द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ पर पहले आपका 1.6 Gbps थी जो अब 200 Gbps हो गई है। यहाँ तो हम लोगों को MB में स्पीड मिल जाए वही बहुत है, यहाँ पर 10 MB मिलता है हम लोग को, वो भी कहाँ मिलने वाला है। 1.7 Mbps यहाँ पर हमको हम लोगों को यहाँ पर मिलता है स्पीड। और यहाँ पर देखिए 1.GB में चल रहा है। GB की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गीगाबाइट पर सेकंड होता है। क्या होता है? गीगाबाइट पर सेकंड। इतनी स्पीड है फिर भी कम है। और यहाँ पर कितना मिल गया है? यहाँ पर 100 गुना बढ़ गया है। देखिए 100 गुने से भी अधिक हो गया है आपका। यहाँ पर देखिए 200 Gbps, कम बात थोड़ी ना, बहुत है। इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्राओं का उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? R.K. त्यागी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत ही देश विदेश से समझौते के बारे में है। भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 MW बिजली आयात करने के का समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें नेपाल। नेपाल की राजधानी होती है आपका, सभी को पता होगा कि काठमांडू यहाँ की राजधानी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 7th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमिश्नर के दौरान दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौते हुए हैं। यहाँ पे पहला है आपका सामुदायिक विकास परियोजना का कार्यान्वयन। दूसरा है आपका दीर्घकालिक विद्युत व्यापार, जो कि 10 साल में 10,000 MW बिजली का क्या होगा, आयात होगा। तीसरा है आपका नवीनीकरण, यह ऊर्जा विकास में सहयोग करेगा। चौथा है आपका मुन्नल सैटेलाइट, इसका भी आपका क्या होगा, साझेदारी इसके साथ किया जाएगा। नेपाल के बारे में जान लेते हैं, राजधानी हमने बताया काठमांडू, और मुद्रा यहाँ पे नेपाली रुपया होता है। अध्यक्ष की बात करें तो रामचंद्र पौंडल है। कौन है? रामचंद्र पौंडल। यहाँ पे पौंडल इस प्रकार से रहेगा, पौंडल है। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प कमल दहल है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन इसका लास्ट है, और लास्ट इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। भाग्यश्री थिप्सी किस खेल से संबंधित है? ये आपका शतरंज से संबंधित है। ये भी आपका खेल से संबंधित है, खेल से भी कम संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग्यश्री थिप्सी के बारे में, या वुमन इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि धारण करने वाली एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। यश विजयालक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। शतरंज के खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। भारत से यह खेल फारस तक फैला। शतरंज एक दो खिलाड़ियों वाला रणनीति बोर्ड गेम है जो शतरंज की एक विशाखा पर खेला जाता है। आधुनिक शतरंज का सबसे पहला अग्रदूत चतुरंगा नामक खेल है। प्रथम विश्व चैंपियन जो है ये आपका विलेहम स्टिंत्ज है, और आधुनिक शतरंज का जनक भी इन्हें कहा जाता है। वर्तमान शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन है। ये आपका यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपका जो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राज्य में को देश की पेट्रोल राजधानी के रूप में किसे मान्यता दी गई है, तो गुजरात को दी गई है। आज का आपका क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है, टाइप करना है। हाल ही में देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? आप सभी को इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है उसी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।